जानवर इंसानों से ज्यादा शांत क्यों दिखते हैं? आप एक गाय जितने शांत नहीं हो सकते, चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लें। हाँ, हो सकते हैं क्या? नहीं हो सकते। शायद अगर आप आज उसे परोसा नहीं जा रहा, लेकिन वहाँ रेस्टोरेंट है, ढेर सारी पोंगल खा लीजिए, आप शांत हो जाएंगे। पता है दक्षिण के लोग इतने शांत क्यों होते हैं? आप बहुत सारी पोंगल खा लीजिए, एकदम शांत। ये असर होता है। तो लोगों ने कोशिश की है, ज़रूरत से ज़्यादा खाना, नशीली चीज़ें, शारीरिक सुखों में ज़्यादा डूबना, इन सभी चीज़ों से लोगों ने अपने अंदर किसी तरह की शांति पैदा करने की कोशिश की है। आपको लगा कि आप वहाँ पहुँच गए हैं, लेकिन अगले ही पल आप जानते हैं कि आप नहीं पहुँचे। कितनी बार इसने आपको धोखा दिया है ना? हाँ। शनिवार की शाम आपके पूरे परिवार ने साथ बैठकर खाना खाया। आपको लगता है कि यही दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, सब कुछ कितना अच्छा और खुशनुमा है। अगली सुबह देखिए, इसलिए नहीं कि आपके परिवार के साथ कुछ गड़बड़ है, बस इतना है कि आप एक सीमित चीज से एक असीमित आयाम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यह नहीं काम करने वाला, यह कभी काम नहीं करेगा। इसमें कुछ गलत नहीं है, बस ये काम नहीं करता। दुनिया में ऐसी बहुत सी महान चीजें हैं जो काम नहीं करती, मुझे उनमें कोई दिलचस्पी नहीं है। बस आपको महान चीजों में दिलचस्पी है। क्या आपको महान चीज़ों में दिलचस्पी है? मुझे नहीं है। मुझे सिर्फ उन चीज़ों में दिलचस्पी है जो काम करती हैं। कई सारी महान चीज़ें हैं। लोग दावा करते हैं कि महान चीज़ें मौजूद हैं, पर वो काम नहीं करती। उन्होंने किसी के लिए काम नहीं किया। वो महान है क्योंकि किसी ने ऐसा कहा है। वो महान चीज़ें हैं क्योंकि किसी इंसान को लगता है कि वो बहुत महान है और वो जो भी कहेगा वो महान ही होगा, पर वो काम नहीं करती। हमें ऐसी चीज़ें चाहिए जो काम करें। अगर आप अपने अनुभवों के सिलसिले को 100% खुद तय कर रहे हैं, आप करने लगे हैं, इन टांगों में कितना दर्द हो रहा है, पर फिर भी ये काम करने लगा है। अगर आप अभी अपने अनुभव की प्रकृति खुद तय कर रहे हैं 100%, मान लीजिए कि ऐसा ही है। अगर ऐसा है तो क्या किसी को आपको बताना पड़ेगा कि प्लीज अच्छा अनुभव बनाइए? क्या किसी को बताना पड़ेगा? नहीं। तो कोई आपसे कहे प्यार में रहो, आनंद में रहो, ये बकवास है। हाँ, है ना? क्योंकि किसी और को बताने की जरूरत नहीं है कि खुश रहो। दिक्कत ये है कि आप अपने अनुभव की प्रकृति तय नहीं कर पा रहे हैं, है ना? हाँ, दिक्कत यह है कि आप अपने अनुभव की प्रकृति तय नहीं कर पा रहे हैं, किसी भी कारण से। अगर आप अपने अनुभव की प्रकृति तय कर पाते तो किसी को बताना नहीं पड़ता कि आनंद में रहो, प्यार में रहो, खुश रहो वगैरह। ये सब जिंदगी की आधी अधूरी समझ से आ रहा है। आपने किसी को लड़ते हुए देखा और कहा प्यार से रहो, किसी को दुखी देखा तो कहा खुश रहा करो। ये सबसे बड़ा अपमान है। जब कोई इंसान बहुत दुखी हो, उससे जाकर कहना कि खुश रहा करो, अपमान करने जैसा है ना? नहीं। पर ये सभी इस धरती की सबसे बड़ी शिक्षाएं हैं जो सदियों से चलती आ रही हैं। ये सभी वो महान चीजें हैं जिन्होंने कभी काम नहीं किया। So we are only seeing how to determine the nature of your experience. तो हम सिर्फ ये देख रहे हैं कि आपके अनुभव की प्रकृति कैसे तय की जाए। आपके अंदर जो चीज अनुभव पैदा करती है, अगर उस पर आप काबू कर लें, तो मुझे पूरा यकीन है कि आप इसे अपने लिए बहुत खुशनुमा बनाएंगे। और मुझे ये भी यकीन है कि अगर आप अपने भीतर बहुत खुशनुमा महसूस कर रहे हैं, तो आप अपने आप आसपास के लोगों के साथ भी खुशनुमा रहेंगे। पर अफसोस, लोगों ने ठेका ले रखा है इंसानियत को बुरी तरह उलझा के रखने का, उनकी अपनी प्रकृति को लेकर। देखिए, ये बहुत आसान है। किसी धर्म ग्रंथ या गुरु को आपको ये बताने की जरूरत नहीं है। ये बहुत आसान है। आपका अनुभव चाहे जो भी है, वो हो आपके भीतर ही रहा है। आपको ये बताने के लिए किसी महान योग या धर्म ग्रंथ या गुरु या स्वर्ग से गिरे किसी पत्थर की जरूरत नहीं है। अगर आपके अनुभव की प्रकृति, वो चाहे जो भी हो, चाहे वो डर हो, गुस्सा, प्यार, नफरत, परमानंद या दुख हो, सब कुछ आपके भीतर हो रहा है। इंसानों के लिए बहुत स्वाभाविक होगा इस पर गौर करना और ये देखना कि इसे सबसे मधुर अनुभव में कैसे बदला जाए, है ना? अगर आपने उनसे ये नहीं कहा होता कि भगवान तुमसे प्यार करते हैं वहां ऊपर से, अगर आपने प्यार को स्वर्ग एक्सपोर्ट न किया होता, तो काफी सारे इंसान बहुत प्यार करने वाले इंसान होते हैं। लेकिन अभी हमने इसे वहां एक्सपोर्ट कर दिया है। आपको उसे इंपोर्ट करना होगा। इंपोर्ट करने के लिए आपको परमिट चाहिए, और यहां दलाल मौजूद हैं जो आसानी से परमिट नहीं देते। वो आ नहीं रहा क्योंकि सारा प्यार स्वर्ग चला गया है। अब उसे वापस कैसे लाएं? यहां एक पादरी उसका परमिट लेकर खड़ा है। वो आपको यह नहीं देगा, वो आपको यह नहीं देगा। चाहे आप खुशी का अनुभव करना चाहें, चाहे आप प्यार का अनुभव करना चाहें, चाहे आप परमानंद का अनुभव करना चाहें, चाहे जो भी, इंसानों को मधुरता की जो भी अवस्थाएं पता हैं, वो उनके भीतर से ही पैदा हुई हैं। क्या ऐसा है? तो फिर कहीं से कोई परमिट लेने की कोई जरूरत नहीं है। आपको बस ये खोज के लिए तैयार रहना है कि ये क्या है, और आप इसे सबसे मधुर अवस्था में ले जा सकते हैं। इसलिए नहीं क्योंकि ये कोई खूबी है। प्यार कोई खूबी नहीं है, आनंद कोई खूबी नहीं है, खुशनुमा रहना कोई खूबी नहीं है। बस आपकी चाहत वैसा होने की है ना? ऐसा नहीं है कि अगर आप प्यार करते हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे, या आप आनंद में हैं तो आप स्वर्ग जाएंगे। बस इतना है कि अगर आप प्यार और आनंद में हैं तो आपको स्वर्ग की जरूरत नहीं है। जिन लोगों ने खुद को नरक बना लिया है वो स्वर्ग जाना चाहते हैं। जिन लोगों ने खुद को स्वर्ग बना लिया है वो कहां जाना चाहेंगे? वो कहीं भी जाएं, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बहुत जरूरी है। अगर आप पक्का करना चाहते हैं, क्या वॉल्यूम ठीक है? अगर आप पक्का करना चाहते हैं कि इससे निकलने वाली आवाज अच्छी है, इस उपकरण के बारे में आप जितना ज्यादा जानते हैं, आप उतनी बेहतर आवाज निकाल सकेंगे, है कि नहीं? कभी कभार गलती हो सकती है, वो अलग बात है, लेकिन आप इसके बारे में जितना ज्यादा जानते हैं उतना बेहतर होगा। अगर आप एक साउंड इंजीनियर हैं तो आप अच्छी आवाज निकालेंगे। तो अगर आप एक इनर इंजीनियर हैं तो आप इसे वैसा बनाएंगे जैसा आप चाहते हैं। बस इसी की जरूरत है, इसके लिए और कुछ नहीं चाहिए। लेकिन चूंकि ये उस दिशा में नहीं है जहां आप हमेशा अपनी इंद्रियों के माध्यम से देखते हैं, इसलिए शायद आपको मदद चाहिए हो। जरूरी नहीं है, पर आमतौर पर हाँ, आपको इसके लिए थोड़ी मदद की जरूरत पड़ती है, लेकिन बस इतना ही। Grace is just that help, that it creates a conducive atmosphere. कृपा वही मदद है जो अंदर जाने के लिए एक अनुकूल वातावरण बना देती है। अगर किसी मशीन को ठीक से चलना है, हर किसी को ये बात अच्छे से पता है कि आपको ल्यूब्रिकेंट चाहिए, थोड़ी चिकनाई। आपके पास जितनी भी अच्छी कार हो, उसे बिना ऑयल के चलाकर देखिए, 10 मिनट में वो खराब हो जाएगी, है ना? लुब्रिकेंट ही उस कार को चलाए रखता है। ये सारी शानदार मशीनें चिकनाई की उस थोड़ी सी पतली सी परत के बिना थोड़ी सी देर में खराब हो जाएंगी। कृपा बस वही है, उस थोड़े से लुब्रिकेंट की तरह, ताकि चीजें आराम से होती रहें। आजकल वो इसे लिक्विड इंजीनियरिंग कहते हैं, हर कोई ये कर रहा है। ये भी ठीक है, एक लिक्विड इंजीनियर चाहिए, तो इसमें थोड़ी इंजीनियरिंग लगती है। कृपा सिर्फ ल्यूब्रिकेंट है। ल्यूब्रिकेंट के बिना अगर आप कुछ करते हैं तो घर्षण पैदा होगा। जिंदगी के इस घर्षण ने कई इंसानों को बर्बाद कर दिया है ना? हाँ, उन्होंने कोई बड़ा काम नहीं किया, वो बस साधारण काम करते थे। वो पैदा हुए, जो उनका काम नहीं था ये उन्होंने नहीं किया, वो बस हो गया। वो बस ठीक से खाना चाहते हैं, सोना चाहते हैं, अपनी ज़रूरतें पूरी करना चाहते हैं, वो बस इतना ही करना चाहते हैं। इस प्रक्रिया में कितने ही इंसान टूट गए, कड़वाहट से भर गए और बर्बाद हो गए, क्योंकि लुब्रिकेंट नहीं था। उनमें कोई गड़बड़ी नहीं थी, वो अपने इंजन को लुब्रिकेंट के बिना चलाने की कोशिश कर रहे थे, बस इतनी सी बात है। देखिए, आपका फ़ोन भी इसीलिए काम कर पा रहा है क्योंकि यहाँ हवा में इसकी तरंगें जा रही हैं, है ना? हम इसको डिस्टर्ब कर सकते हैं। आपने विज्ञापन देखे होंगे, हेलो 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 हेलो, आपने देखे? फ़ोन काम करना बंद कर देते हैं क्योंकि थोड़ा डिस्टर्बेंस है। यही हो रहा है इसके साथ भी। आपने जो कुछ भी देखा है उसके तुलना में ये कहीं ज़्यादा जटिल यंत्र है। इसको आपके ध्यान की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान देते हैं तो फल ज़रूर मिलेगा।